मेरा नाम हेमंत कुमार मौर्य है। इस समय धान की कटाई हो चुकी है, चूँकि खेतों में नमी नहीं है तो हम लोग यहाँ पंपिंग सेट लगा के खेतों की सिंचाई कर रहे हैं। बगल में हमारी नहर भी है, लेकिन नहर में जब ज़रूरत होती है तब पानी रहता नहीं है सर, तो इसलिए डीजल इतना महंगा हो गया। हम बताइए किसी तरह खेती किसानी में कोई लाभ नहीं रह गया, लेकिन पेट पालने के लिए हमको ये सब करना पड़ रहा है। साथ आ रही है इस समय, जब आएगी बरसात मतलब, तो उसमें पानी हमेशा रहेगा। लेकिन पंपिंग सेट डीजल से चलता है और डीजल चूँकि इतना महंगा हो चुका है, फिर भी कुछ रखा नहीं है इसमें, किसी तरह पेट पालने के लिए करना पड़ता है। अभी हम गए थे डीजल लाने के लिए, लेकिन इतना महंगाई है, बताइए लागत वागत कुछ नहीं निकलता है, लेकिन अपना पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा सर। घर पर आए वाए कुछ नहीं, दुगना हो रहा है सर। बस इसमें केवल ये है कि चुनाव के कारण सबको भड़का रहे हैं, ये है वो है, और कुछ इसमें करेंगे नहीं वो लोग। संतराम पटरेगिलपाल, सिंचाई कर रहे हैं, पानी इस समय आ नहीं रहा साहब, इसलिए इंजन से सींचा जा रहा है पानी। अब इस समय पानी आता नहीं है नहर में, तो क्या करें, मजबूरी है सींचना। बरखा में आता है और इस समय पानी तो बिल्कुल नहीं आता, इस समय नहर में पानी नहीं आता, घाटा होता है। 150-200 रुपये घंटे ले रहे हैं, पाइप भी किराए पर आता है, वो भी लगाते हैं। अब ज़रूरत है तो इस समय पानी नहीं है, अब नहीं ज़रूरत रहेगा तब नहर में पानी आता है। नहीं नहीं, नहर के रोस्टर जारी हो गया है। 6 दिसंबर में गोंडा में ब्रांच में पानी आ जाएगी, उसके बाद सभी डिवाई मायने में पानी चला जाएगा। 6 दिसंबर से पानी आ जाएगा गोंडा में, रोस्टर जारी हो गया है।